बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी को एशिया एकादश टीम के लिए कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव के नाम भेजे हैं। बांग्लादेश अपने संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की 100वीं वर्षगांठ पर एशिया एकादश और विश्व एकादश के बीच ढाका में शेर ए बांग्ला स्टेडियम में 2 T20 मैच करा रही है, जो 18 और 21 मार्च को खेले जाएंगे। सूत्र बताते हैं, खिलाड़ियों की उपलब्धता देखने के बाद ही गांगुली ने बीसीबी को नाम भेजे हैं। कोहली, शमी, धवन और कुलदीप एशिया एकादश की टीम को प्रतिनिधित्व करेंगे। नामों को भेजे हुए कुछ समय हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड को टीम तैयार करने के लिए बीसीसीआई से खिलाड़ियों की सूची चाहिए थी। शुरुआत में कुछ शक था कि कौन से खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, क्योंकि उपमहाद्वीप का हिस्सा होने के नाते पाकिस्तान के खिलाड़ी भी टीम में खेलेंगे और इस समय भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं। वहीं बीसीसीआई के सहायक सचिव जयेश जॉर्ज ने साफ कर दिया था कि इस मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आमंत्रण नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा था, हमें जो पता चला है वो यह है कि एशिया एकादश में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं होगा। यही एक बड़ा संदेश भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने हालांकि कहा था कि बीसीबी द्वारा पीसीबी के ऊपर बीसीसीआई को तरजीह देने की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के इस मैच से अपने आप को दूर रखना चाहता है और वो पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। LD न्यूज़ रूम से लकी की रिपोर्ट।